ओम नमो नारायण मित्रों, देखिए कितना पावन पर्व भगवान शिव का ये महीना श्रावण मास चल रहा है और मैं हरिद्वार से ओम प्रकाश एंड सन से आप सभी देखने वालों को इस पावन श्रावण मास की शुभकामनाएं तो देता ही हूं। देखिए हरिद्वार में कनखल में दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान महादेव इस श्रावण मास में विराजमान रहेंगे और यहीं से भगवान महादेव सभी पर अपनी अपार कृपा बरसाएंगे। देखिए श्रावण मास के अंदर, सावन के महीने में कोई भी रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं, पूजा करते हैं, पहनते हैं, भगवान महादेव को अर्पित करते हैं, इसका बहुत लाभ मिलता है। कोई सा भी रुद्राक्ष श्रावण महीने में यदि पहना जाए, धारण किया जाए, तो उसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो इसी रुद्राक्ष की इस श्रृंखला में आज मैं बात करूंगा अष्टमुखी रुद्राक्ष की। अष्टमुखी रुद्राक्ष ऐसा अद्भुत रुद्राक्ष कि जिसकी जितनी महिमा बताई जाए कम होगी। तो आठमुखी रुद्राक्ष आप देख पा रहे हैं मित्रों कि एक बहुत अच्छा प्रीमियम आठमुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन ओम प्रकाश एंड सन्स पे अवेलेबल है और श्रावण मास में अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करना बहुत लाभकारी बताया गया है। तो आज मैं इस अष्टमुखी रुद्राक्ष की पूरी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। तो आठमुखी रुद्राक्ष, अष्टमुखी रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ और बहुत अद्भुत रुद्राक्ष है। इसमें कोई शक नहीं है कि अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्ट सिद्धि को देने वाला तो है ही, अष्ट विनायक का भी स्वरूप है। अष्ट विनायक का स्वरूप इसे क्यों कहा गया है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है हमारे शास्त्रों में। एक बार असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, पराजित कर दिया देवताओं को और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। तो सभी देवता पराजित होने के बाद भगवान महादेव की शरण में गए और भगवान महादेव से उन्होंने प्रार्थना करी कि महादेव अब इस संकट से हमें बचाया जाए। तो भगवान महादेव ने गणेश जी को उन असुरों को पराजित करने के लिए भेजा और भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमता से, अपनी शक्ति से उन सभी असुरों का नाश किया, पराजित किया और दोबारा से देवताओं को उनका स्वर्ग उन्हें वापस दिया। तो भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी को अष्ट विनायक का, आठमुखी का आशीर्वाद प्रदान किया। तो अभी से ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में मिलती है कि आठमुखी रुद्राक्ष में भगवान गणेश जी की बुद्धिमता और उनकी शक्ति विद्यमान है, इसीलिए अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्ट विनायक का स्वरूप भी कहा गया है। अष्ट सिद्धि को देने वाला कहा गया है, बुद्धिमता को देने वाला कहा गया है। अष्टमुखी रुद्राक्ष के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति गणेश जी के समान बुद्धिमता वाला हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। यदि हम ज्योतिष शास्त्र को देखें तो अष्टमुखी रुद्राक्ष राहु जनित दोषों को दूर करता है। किसी भी प्रकार का राहु से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपकी जन्म कुंडली में है उसको दूर करने वाला बहुत अच्छा अद्भुत रुद्राक्ष अष्टमुखी रुद्राक्ष है। कोर्ट कचहरी के कोई मैटर हो, कोई भी ऐसा मुकदमा या कोई भी ऐसी चीज हो, उस समय विजय प्राप्ति के लिए जिस रुद्राक्ष को पहनाया जाता है वो है अष्टमुखी रुद्राक्ष। अपने आप में अष्टमुखी रुद्राक्ष इतना शक्तिशाली, इतना अद्भुत रुद्राक्ष है कि इसे पहनने से सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है। व्यक्ति को, धारण करने वाले व्यक्ति को बल मिलता है, शक्ति मिलती है, बुद्धिमता मिलती है, बुद्धिमान हो जाता है इसे धारण करने वाला व्यक्ति। और राहु से जनित दोष तो दूर होते ही हैं, हमारी जन्म कुंडली में जो अच्छे व शुभ ग्रह हैं उनको भी बल मिलता है। तो मित्रों अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्ट विनायक का तो है ही, अष्ट सिद्धि को देने वाला भी है। आप समझिए कि आठमुखी रुद्राक्ष धारण करने से आठों दिशाओं में हमें सफलता प्राप्त होती है, हमारे को बुद्धिमता मिलती है और हमारे से जाने अनजाने में हुआ किसी भी प्रकार का पाप अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाता है। एक और पौराणिक कथा है हमारे शास्त्रों में कि यदि हमारी इंद्रियों से किसी भी प्रकार से, हृदय से, माइंड से, आत्मा से किसी प्रकार से कोई भी पाप जाने अनजाने में किसी प्रकार से हुआ, यदि अष्टमुखी रुद्राक्ष उसे पहना जाए तो वो पाप से हमें मुक्ति मिल जाती है। और एक विशेष बात मित्रों, अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने से किसी प्रकार का भूत प्रेत बाधा
किसी प्रकार का टोना टोटका हो, किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर हो, वो दूर होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत अच्छा महत्व रुद्राक्ष का बताया गया है कि अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने से राहु जनित दोष तो दूर होते ही हैं और हमारे अच्छे व शुभ ग्रहों को भी बल मिलता है, और खराब ग्रह जो हमारे एनिमी प्लैनेट्स हैं या हमारे जो दुश्मन ग्रह हैं वो शांत होते हैं। तो ज्योतिष मत के अनुसार भी अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करना अतिशुभ बताया गया है। और मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि ओम प्रकाश एंड सन्स पे जो ये अष्टमुखी रुद्राक्ष का एक नया कलेक्शन आप देख पा रही हैं, सभी नेपाली रुद्राक्ष हैं। तो आप जो आठमुखी रुद्राक्ष की ये बहुत प्रीमियम कलेक्शन देख पा रहे हैं, मैं आपको पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओम प्रकाश एंड सन्स पे मिलेगी। ये सभी नेपाली प्रीमियम क्वालिटी कलेक्टर बीड हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष आप देख पा रहे होंगे, आठमुखी रुद्राक्ष बहुत बढ़िया प्रीमियम नेपाली क्वालिटी कलेक्टर बीड्स। और इसी में आपको मैं एक चीज और दिखा देना चाहूंगा, ये रुद्राक्ष की माला भी पूरी आठमुखी की ही है। ये इंडोनेशियन बीड है पर ये 100% नेचुरल ओरिजिनल, और इस पूरी माला में 109 दाने आठमुखी हैं। और एक माला अष्टमुखी की तब और ज्यादा पावरफुल हो जाती है यदि इसकी 108 दाने की माला में एक सुमेरु में एक अष्टमुखी रुद्राक्ष गुरु बीड की तरह या सुमेरु की तरह लगा दिया जाए तो इस पूरी माला की पावर अष्टमुखी नेपाली रुद्राक्ष जैसी हो जाती है, ऐसी भी मान्यता है। और आठमुखी रुद्राक्ष को एकाग्रता के लिए, माइंड के लिए, दिमाग के लिए तो माना ही गया है, और एक निर्णय क्षमता, डिसीजन पावर के लिए भी एक बहुत अच्छा रुद्राक्ष अष्टमुखी रुद्राक्ष है। और इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट धारण करने वाले व्यक्ति को मिलता है। जो लोग जिनका भी ऐसा काम बिजनेस, व्यापार, जॉब जो माइंड से जुड़ी हुई है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, वकील हैं, दुकानदार हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हमें दिमाग से, माइंड से जुड़ा हुआ निर्णय करना है, तो हमारी निर्णय क्षमता को बढ़ाने वाला रुद्राक्ष अष्टमुखी रुद्राक्ष है। बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी देने वाला, माइंड को एकाग्रता देने वाला, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी एनर्जी को देने वाला रुद्राक्ष अष्टमुखी रुद्राक्ष। तो आठमुखी रुद्राक्ष जो आपको ओम प्रकाश एंड सन्स पे दिखाई दे रहा है, ये नेपाली रुद्राक्ष हैं। मैं इनके प्राइस रेंज के बारे में आपको बता दूं कि जो नॉर्मल क्वालिटी का, नॉर्मल साइज का अष्टमुखी रुद्राक्ष है, ये 100% नेचुरल ओरिजिनल नेपाल का है। इसकी कीमत 3000 रुपये है, और इससे बड़ा जो ये है आप देख पा रहे हैं, साइज का डिफरेंस भी आप देख पा रहे होंगे, ये इससे बड़ा वाला 5000 रुपये का है। और इसी नेपाली रुद्राक्ष में एक बहुत प्रीमियम कलेक्टर बीड, एक आंवला साइज भी होता है जो काफी बड़ा होता है साइज में, आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज साइज प्रीमियम क्वालिटी कलेक्टर नेपाली बीड आंवला दाना अष्टमुखी रुद्राक्ष 10000 रुपए तक की रेंज में है। तो आठमुखी रुद्राक्ष नेपाल का 3000 रुपए से शुरुआत है, और 10000 रुपए तक भी एक दाना अष्टमुखी रुद्राक्ष का नेपाली आपको मिल जाएगा। और इसी अष्टमुखी रुद्राक्ष में गौरी शंकर अष्टमुखी रुद्राक्ष नेपाल का, गणेश जी गणेश का अष्टमुखी रुद्राक्ष भी मिल जाएगा, उनके अलग अलग प्राइस रेंज होते हैं। इसी श्रृंखला में ये अष्टमुखी रुद्राक्ष की जो माला है इंडोनेशियन बीट की, पर आप देख सकते हैं कितनी साफ दाने की, सारे दाने अष्टमुखी हैं। ये एक माला की कीमत, 108 दाने की माला की कीमत 5000 रुपए है, 109 दाने इसमें आपको मिलेंगे। यदि आप इस माला में, इंडोनेशियन माला में एक दाना अष्टमुखी लगवा लेते हैं तो मैंने बताया कि वो माला और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की अष्टमुखी रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.omprakashandsons पे भी लॉगिन कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल, हमारे फेसबुक पे भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये जो सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस पे भी यदि आप कोई जानकारी हमें भेजते हैं तो जल्द से जल्द आपको उस जानकारी का जवाब देने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो मित्रों, इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए अगली बार हम एक और अद्भुत रुद्राक्ष की जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।